अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ताज कुकिंग सेंट्रल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सेवैयों का केक। एकदम हेल्दी केक है और एकदम मजेदार है, बनकर बहुत ही एकदम आसान तरीके से तैयार हो जाता है। चलिए आइए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में ले लेंगे हम यहाँ सेवई 2 कप। यहाँ मैंने बाउल से मेजर किया है तो यहाँ 2 बाउल मैंने लिए हैं। आपको भी मेजरिंग कप से कर सकते हैं। ये भुनी हुई सेवई है, इसे हम सबसे पहले हाथों से क्रश कर लेंगे। इस तरह मैंने इसको हाथों से क्रश कर लिया है। अब 2 बाउल मैंने सेवई ली हूँ तो इसमें डाल देंगे हम 1 बाउल पीसी हुई चीनी। अब हमने इसमें डाल देना है दूध। दूध यहाँ मैंने नॉर्मल थोड़ा सा गुनगुना या फिर रूम टेम्परेचर का भी आप ले सकते हो। ये मेरा फ्रिज का दूध था तो मैंने इसे थोड़ा सा गुनगुना कर ली हूँ। तो यहाँ मैंने टोटल दूध लिए हूँ 1.5 प्याली, सेम मेजरिंग कप से लेना है। और साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और कुछ ड्रॉप्स डाल देंगे हम वेनिला एसेंस के। आप इलायची पाउडर वगैरह का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास एसेंस ना हो तो। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप के करीब घी, मेल्टेड घी लेना है। अब इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारी जो शुगर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए इसमें। बहुत ही एकदम आसान है बनाना सेवई वाला केक, और बनाकर माशाल्लाह बहुत ही एकदम लजीज बनकर तैयार हो जाता है। आपने भी ज़रूर से ट्राई करना है। अच्छी तरह से एक मिक्स दे देंगे ऐसा कि हमारी बेकिंग पाउडर वगैरह जो भी है और शक्कर वगैरह जो भी पूरे अच्छे से डिजोल्व हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। यहाँ मैं ले रही हूँ 100 ग्राम खोआ। खोए को हमने ग्रेट कर लेना है ताकि इसमें कोई भी चंक्स वगैरह ना हो और ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें, क्योंकि अक्सर खोआ फ्रिज वगैरह में रखा होता है डेरियों में तो ये एकदम जमा हुआ होता है, इसमें अक्सर लम्स हो जाते हैं। तो ग्रेट करने से एकदम आसानी से हमें मिल जाएगा इसका खोआ। अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है मैंने, एक मिक्स दे देंगे इसे अच्छे से। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अभी हम इसे डाल देंगे मोल्ट में। अब देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, बस आपने इतना ही थिक रखना है, बहुत ज्यादा अपने दूध एकदम मेजर करके ही डालना है। यहाँ मैंने ले लिया है केक का मोल्ड। केक का मोल्ड को मैंने ग्रीस कर लिया है घी से और इसमें पेपर भी लगा दिया है बेकिंग पेपर। और अभी हम इसमें डाल देंगे बिस्मिल्ला। साथ ही हम इसके ऊपर थोड़े से गार्निश कर लेंगे बादाम की, इससे मतलब दिखने में खूबसूरत लगता है, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत माशाल्लाह बढ़िया लग जाता है। आप कोई भी अपने पसंद के ड्राई फ्रूट ले लीजिए। यहाँ मैं बादाम से गार्निशिंग कर रही हूँ। अभी हमने इसे रख देना है ओवन में 180 डिग्री पर 15 मिनट के लिए। इसमें अच्छी तरह से बेक हो जाएगा। आप ये प्रोसेस सेम पतीले वगैरह में भी कर सकते हो, लेकिन पतीले में टाइम लगता है। आपने कुकर की सीटी निकाल देनी है और इसे रखना है तकरीबन 45 मिनट के लिए पतीले में डालकर और एकदम मीडियम फ्लेम पर। माशाल्लाह हमारा केक पूरा से एकदम अच्छी तरह से बेक भी हो गया है, आप देख रहे हैं, और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया है और बहुत ही हेल्दी केक है। आपने भी जरूर से ट्राई करना है। तो इसे चलिए कट कर देते हैं माशाल्लाह बिस्मिल्ला। माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही एकदम खूबसूरत, माशाल्लाह टेस्टी, बहुत ही अच्छा केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपने भी ज़रूर से ट्राई करना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल पे एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।